ये है हमारे सिद्ध खोल बाबा, दर्शन कर लो भाई श्रद्धालु लोग। और ये है हमारा, मैं मम्मी का बैग पकड़ के खड़ा हूँ, नानी जी है गुड बाय बोलने के लिए, और मम्मी हमेशा के लिए लेट है, अंदर है, आएगी तो हम लोग को बस रुकवा के रखना पड़ेगा। तो ये गई मेरी मम्मी कोरबा, नानी भी जा रही है वापस अंदर पे, और जस्ट घर के सामने में एक हनुमान मंदिर, ये भी 8-9 साल पहले मेरे नाना बनवाए थे, और पीछे आपको बड़ी बड़ा पेड़ दिख रहा होगा, वो मेरे परदादा पर नाना सॉरी लगवाए थे, जिसको हम लोग प्यार से साधु बाबा बोलते थे। हम लोग के घर के बगल वाली छत में, बगल वाले घर में क्या हो रहा है, नया घर बना रहे हैं। अजय की बंदर नहीं, बंदर आएगा तो मजा आ जाएगा ना, है ना, तेरे को उठा के ले जाएगा, छोटी सी है ना, तेरे को उठाने में आसानी होगा। वो तो हाँसे देते हैं, पाँव पड़े लाग ही, एक हफ्ते में पिले तब हाँ मीठा, ए गाजर का हलवा खाती है तो सब खा डाली से बाबू दी से धीरा धीरा हैं धीरा दी से मोरत बाट है। हाँ बस सुन ले, अगर खाट लगा खींच हाँ चलो सब सॉर्टेड है, रिवीजन पहली ले तैनात बाहर में। हाँ हाँ ले महू जा तो तहू जा अंदर, अब नहावे नाना ला कि ना हो गए कर स्नान हो गए, चलो ठीक ले तो जा था। हाँ आज तो सोमवार है, अच्छा ऐसे ही ऐसे ही ट्री लगा छोटा मोटा, गेस करो क्या हो सकता है इसके अंदर पे, कैसे रास्ता है जी। अच्छा पवनी का ये वाला एग्जिट गेट है, ये वाला धन्यवाद लिखा हुआ लेकिन ऊपर मुड़ चुका है। गांव में सुबह सुबह अलग ही माहौल रहता है यार, बाकी आगे देख के ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने के आसार हैं। हेलो सो कैसे हो सोमवारी मन, मैं थोड़ा गला बैठ गया यार पता नहीं कैसे, और वैसे मैं यहाँ पे तो अपने नाना के घर पे 2-3 दिन अभी रेस्ट ही किया हूँ, कहीं पे गया नहीं था मैं घूमने के लिए, सो बहुत दिन बाद साइकिल निकल रहा है तो अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मैं नोटिस की हूँ कि मैं जब से निकला हूँ ना कोरबा से तो 2 हफ्ता हो गया मेरे को, आज 15वां दिन है, और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मेरे 6 बजे नींद नहीं खुला है, मतलब तो पूरा बॉडी क्लॉक ही चेंज हो गया भाई, 6 बजता है सुबह नींद खुल जाता है। यहाँ पे गांव में कोई भी अगर घर से कहीं जाने वाला रहता है ना तो नानी सबसे पहले दरवाजे में पहुँच जाती है, कोई और पहुँचे चाहे मत पहुँचे, विदा करने के लिए नानी हमेशा रेडी रहती है, यानी उनकी उम्र में 80 से ज़्यादा हो गया होगा नानी को, उस हिसाब से वो बहुत ही एक्टिव है अभी भी। मुर्रा है मुर्रा, धान के दोनों मुर्रा है। यहाँ गांव में हम लोग के मुर्रा का अलग ही क्रेज़ है भाई, सभी को मुर्रा बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन मेरे नाना जी को भी बहुत मुर्रा पसंद है, उस दिन एक दिन आके बैठ गए थे मुर्रा चाहिए करके, फिर अगले दिन लेके आके दिए उनको। बाकी गांव में सुबह अलग लेवल का चहल पहल रहता है यार, सबके सब कोई तालाब जा रहा है नहाने के लिए, कोई खेत जा रहा है, तो कोई गाय बकरी चराने जा रहा है। अच्छा इधर पे सब मछली मार रहे हैं अच्छे लोग बैठ बैठ के, क्या ज़ोरदार हवा चल रहा है ना, घास हिल रहा है तो कितना मस्त लग रहा है ये वाला सीन। फसल भी लहरा रहा, 1.5 साल पहले आया था और 1.5 साल पहले भी रोड का इस टाइप का ही हालत था बस, लेकिन पैचअप कर दिया है, लेकिन ये अनइवन रहता है ना तो साइकिल तेज चलाने नहीं बनता है।
कैमरा के स्टेबिलिटी के कारण आपको पता नहीं चल रहा होगा कि साइकिल कितना हिल रहा है। ये हम लोग अभी पहला पड़ाव पहुँचा हूँ मैं, इधर पे मड़वा गाँव जाएगा, इधर पे जाएगा गिधौरी, और लेकिन अपने को सीधा जाने का है। ये जो आगे पुल पड़ेगा ये जोक नदी का, जोक नदी के ऊपर ये वाला पुल बना हुआ है, पता नहीं इसको क्रॉस क्यों कर दिए थे, बट वो सही है। और यहाँ पे तो बंदर लोग पुल में ही बैठ गए हैं भाई, इन लोग का तो अलग ही रहता है, कोई खौफ ऑफ है ही नहीं। ये है हमारा जोक नदी, इट्स नॉट जोक, इट्स जोक जोक। पुल के उस पार था अमूदी और इस पार है कडगी, और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग अभी बलौदा बाजार और भाटापारा ज़िला में हैं। भाई ये हाईवे तो गजब का है, स्टेट हाईवे, अब तो साइकिल अलग ही रफ्तार में चल रहा है। इस टाइम पे तो धीरे धीरे ढोल रहा था, ऐसा लग रहा था अब तो ये एक घंटे में मैं 25 किलोमीटर भी कवर कर दूँगा। इस गाँव का नाम है सेल, और यहाँ पे लगने वाला है महासेल। मजाक कर रहा हूँ। छह से एक गाँव का नाम आता है छाछी, ये हम लोग कोरबा में जब जू खेलते हैं तो हम लोग के काम आने वाला है। अगर कोरबा से अपने सुपर एफ सुपर ही दुर्गा पंडाल से कोई देख रहा है तो याद करके रख लो, आऊँगा कोरबा तो पक्का खेलेंगे जू। बालों में फूल लगा कर स्कूल चले हम, मौसम ऐसे ही मेहरबान रहना मेरे ऊपर, बस और कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद है यार ये पवन देव का। जब से मैं जोक नदी का पुल पार किया ना, स्टेट हाईवे 9 आया ना, उसके बाद से तो अलग ही एहसास है रोड में साइकिल चलाने का। सिरपुरी 51 पिथौरा 56, आगे से मोड़ है थोड़ा सा, मुड़ना है ना, चलो ना लेफ्ट, पूछना पड़ेगा किसी से, मोड़ तो लिया हूँ पहले, आगे कंफर्म करता हूँ। सिद्ध खोल सीधा जाइए, सिद्ध खोल, क्या सुहाना मौसम है यार, तो अभी से पतझड़ महीने वाला फील दे रहा है यार ये रास्ता। लकड़ी उठा करके बिन करके घर ले जाने से पहले आराम करते हुए गांव की महिलाएं, और देखा कितना बड़ा बड़ा लकड़ी का ढेर था यार। कसडोल से मुड़ने के बाद 10-11 किलोमीटर और आगे आना था मेरे को, और लगभग पहुंच गया हूँ, 3 किलोमीटर बचा होगा, लेकिन इसके बाद जितना भी रोड है ना वो पूरा अपहिल यार, पूरे चढ़ाना है 10-11 किलोमीटर, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया मेरे को, 40 मिनट लग गया मेरे ख्याल से, अभी मैं सिर्फ 8 किलोमीटर आया हूँ। और अभी मैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में हूँ, क्या आप लोग इसका नाम गेस कर सकते हैं? आप लोगों ने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना ज़रूर होगा, भले ही आप में से कोई यहाँ पे कभी आया नहीं होगा। भाई ये चढ़ान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि साइकिल 2 या 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इससे तो मैं पैदल तेज चल लूँगा ऐसा मेरे को फील हो रहा है। एक तो चढ़ान है, ऊपर से हवा भी मेरे को ढकेल रहा है वापस, तो और तेज़ नहीं चला पा रहा हूँ साइकिल, तो मैं इतना स्पीड चल रहा साइकिल, ये देखो साइकिल ढुलते ढुलते आ रहा है। और अब फ़ायदा ही नहीं है साइकिल चलाने का, क्योंकि मैं जितना भी चला लूँ स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है, चल रहा हूँ ना उसमें कोई स्ट्रगल नहीं, तो चलना ही सही है। पैडल मारूंगा अभी तो भी साइकिल इतनी रफ्तार में चलेगा जितने रफ्तार से मैं चल रहा हूँ। ऐसे ही टुकुर 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 करते करते फाइनली मेन रोड छोड़ने का समय आ गया है, और ये मेरी खुशी की बात है क्योंकि अब यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है सिद्ध खोल वॉटरफॉल। अब मेरे को सामने मेरे मंजिल नज़र आ रहा है, माहौल देव लागे, मोला देव नहीं लागे, पैसा नहीं लागे, हाँ कोरबा से आ रहा हूँ, हाओ
चलो भाई, मेरे को 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं। साइकिल का यहाँ पे पार्किंग नहीं लिया जाता है, फ्री है। ऐसा इधर पर नेचुरल ट्रेल, चबूतर, वॉच टावर सब यार। अपनी साइकिल तो अपन कहीं भी डाल सकते हैं, तो अपन वॉच टावर तक साइकिल से ही जाएंगे यार। ये वॉच टावर से व्यू देखने को मिलेगा झरने का। कल पार्क किया जाए, हो गया पार्क, अब चले अब ऊपर। ऊपर से दिखाते हैं आप लोग को नज़ारा। यहाँ पे वैसे मैं पहली बार आ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पे, और तब भीड़ नहीं है यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर जगह है यहाँ आसपास के लोकल्स में, और उससे दूर से भी लोग आते हैं यहाँ, रायपुर, भिलाई, उधर के लोगों को भी पता है इस जगह के बारे में। ओके, नॉट बैड फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आपको दिख रहा होगा तो वो है झरना, इसी का नाम है सिद्ध खोल बाबा इसी का नाम है सिद्ध खोल बाबा झरना, क्योंकि इसके बगल में है सिद्ध खोल बाबा का मंदिर, इसलिए कोरिलेशन है। और वैसे यहाँ से झरना उतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है वॉच टावर से, तो मैं नीचे चल के आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो झरने के ऊपर हूँ मैं अभी, यहाँ से तो व्यू दिखेगा नहीं, नीचे ही चलते हैं। ऐसे ही बैठे नीचे गिरता है, मिली से कटो मछली। और यहीं पे है सिद्ध खोल बाबा का मंदिर, इनके ही नाम पे इस झरने का नाम रखा गया है, सिद्ध खोल बाबा वॉटरफॉल। दिखा दिया जाए मंदिर, शिवलिंग है। चप्पल निकल जा भाई। और ये है हमारे सिद्ध खोल बाबा, दर्शन कर लो भाई श्रद्धालु लोग। सीढ़ी की शुरुआत में अपना साइकिल छोड़ दे रहा हूँ, होप में कि बंदर वंदर आके कुछ लेके मत जाए। बाकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, उसको छोड़ो और आगे बढ़े। ये रास्ता कटी जाते झरना इतनी जाही, झरना सीधा जाही। अरे ज़्यादा कुछ सीढ़ी है ही नहीं यार, यहाँ से तुमको झरना दिख रहा है। बहुत ही कम सीढ़ी है यार, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना कम होगा। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, जहाँ पे साइकिल रखा हुआ था मुश्किल से 30-40 सीढ़ी होगा, और अपन पहुँच भी गए इतना झरना। और यहाँ पे आज भीड़ भी नहीं है, मैं इसलिए हमेशा मंडे को आता हूँ, संडे को जानबूझ के नहीं है, कि मैं जान रहा था कि संडे को तो भीड़ रहता ही है, तो संडे का कौन है, अपने को भीड़ पसंद नहीं है। अपन को चाहिए जगह सिर्फ अपने लिए, और देखो यहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, बट स्टिल बहुत ही कम है। अरे झरना थोड़ा उस तरफ है, मतलब आपको देखने से पता चलेगा कि ये जो है वो दोनों के बीच में है झरना, ये दोनों के बीच में ऐसा झरना बह रहा है, तो मेरे को ऐसे घूम के जाना पड़ेगा उस पार, पर देखने को मिलेगा। तो पानी के अंदर मछली भी है भाई, बरसात नवंबर के बाद पूरा सूख जाता है। तो ये तो झरने का साइड भी हो गया, अब चलते हैं फ्रंट व्यू के लिए। यहाँ से थोड़ा सा जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है ना, तो अभी मैं हूँ बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, और इसके बारे में आप लोग सुने ज़रूर होंगे, और अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ना, उसका जो मेन पार्ट है ना, तो बार करके एक जंगल है और एक नवापारा करके एक जंगल है, तो ये दोनों मतलब इस लाइफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मेन पार्ट है। और भी दूसरे जंगल होंगे ऐसा नहीं है, बट जो मेन है ना वो बार और नवापारा जंगल है, जिनसे मिल करके ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना। और ये फाइनली में झरने के सामने पहुंच गए। तो यही है सिद्ध खोल बाबा
घर में। केशवा का खराब भैया हाँ हो ये केशवा का थे ये सही है यार झरने के बगल में बैठ के फिशिंग हो रहा है। फिशिंग भी पेशेंस वाला गेम स्पोर्ट्स है यार, पेशेंस से ही आपको अगर फिशिंग करना है तो, जो कि मेरे अंदर है बाकी लोग के मेरे को आइडिया नहीं है। फिशिंग भी पेशेंस वाला गेम स्पोर्ट्स है यार, पेशेंस से ही आपको अगर फिशिंग करना है तो, जो कि मेरे अंदर है बाकी लोग के मेरे को आइडिया नहीं है। ना ये वाला पार्ट, ये दोनों के बीच में सा बह रहा था, ये वाले साइड एंगल से दिखता नहीं है, पूरा ऊपर का हिस्सा सिर्फ ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हल्का सा आगे आना पड़ेगा, तो मुश्किल से 50 सीढ़ी भी नहीं होगा यार। क्या बड़ा मछली पसंद है दिखा दिखा, सही है। बाकी चट्टान में पूरा काई रच गया है तो बहुत ही ज़्यादा फिसलन है यार, बहुत फिसल रहा है, इसके पास जाने में स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं अभी। किसी भी झरने के पास पहुँचते हो आप लोग, उसके बाद पानी का छीटा पड़ता है ना फवारा के जैसा किस चेहरे में, वो वाला फीलिंग यार इतना ज़बरदस्त होता है ना, स्पेशली जब आप 50 किलोमीटर साइकिलिंग करके आ रहे हो उसको देखने के लिए, तो वो और ही स्पेशल हो जाता है। इसका ऊंचाई है 40 फीट और ये जो फवारा जो पड़ रहा है ना चेहरे में, बहुत ही सुकून दे रहा है ना, मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पूछ जाऊँ नहाने के लिए, लेकिन आज ही रहूँगा क्योंकि मैं और कहीं जाना हो रहा है। मैं नहा लूँ, नहाने के बाद जब साइकिलिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, इसलिए फील है शरीर ना, तो साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती, मैं नहीं लाऊँगा यहाँ, वरना मैं तो हमेशा जहाँ पाओ पूछ देता हूँ, रेडी रहता हूँ कूदने के लिए। और अगर आप लोग भी यहाँ पे आओगे तो वैसे तो सावधानी बरत के आना, क्योंकि आप जितने पत्थर है मैं आपको दिखा देता हूँ, सब में काई लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, तो संभल संभल के आना, कुछ नहीं है बस इतना ही स्ट्रेच है, बाकी तो आपको सीढ़ी दिख रहा है वहाँ पे। ये भी एक सीजनल वाटरफॉल है जो कि आपको सिर्फ बरसात के मौसम पे देखने को मिलेगा, या फिर एट मैक्स नवंबर तक आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे पानी सूख जाता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बाकी लोकेशन का तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे जो पेड़ है ना वो चट्टान से ऐसा टिपक टिपक के ऊपर चले गए, लता लता पूरा बनी है, इधर तो मैं गया नहीं, बाकी इधर पे लवर्स पॉइंट बोल सकते हैं, सब लोग अपना अपना नाम लिखे हुए हैं इधर पे, लड़की इधर पे। और ये है हमारा, जल्द ही मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आवाज़ आ से पक्का टूटी, एक आध दिन गुंजन झूलत रही ना तभी टूटी, देख बे है ना आ ना आवाज, ये डर गया अभी से।